हेलो न्यूज़ सीरोज के आपके घर के पास या आपका कोई दोस्त या आप कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम करने के लायक ही नहीं है, या फिर तू अपने मंजिल या अपने लक्ष्य या अपने गोल को नहीं पा सकता, तो तू भी यही बैठ के भी बैठ गया है कि अब मैं क्या करूँ। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही है तो वीडियो पूरा देखना, अगर नहीं पूरा देख सकते तो अभी किसी और का वीडियो जा देख लो, अगर ये नहीं तो ये वीडियो पूरा देखो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। देख लो, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ बहुत नेगेटिव लोग होंगे और वो तुम्हें हमेशा डीमोटिवेट करेंगे कि तुम ये काम नहीं कर सकते और इस काम करने के लायक ही तुम नहीं हो। देख लो, तुम्हारे बहुत दोस्त होंगे या फैमिली मेम्बर्स या कोई भी लोग तुम्हें हमेशा वो तुम्हें सलाह देंगे कि जो तू काम कर रहा है वो छोड़ दे और ये काम कर, क्योंकि जिस काम को तू कर रहा है वो तुझसे नहीं होगा और तू ये काम कर। वो हमेशा तुम्हें बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, नहीं तो तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। देखियो, इन सब नेगेटिव लोगों को तुम दो तरह से जवाब दे सकते हो। पहला, या तो तुम उनकी बातों को मान लो और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो हमेशा के लिए, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, या फिर उनकी बातों को एक चैलेंज की तरह मान लो और दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या हो। और जब भी लाइफ में डीमोटिवेशन फील हो तुमको, तो याद कर देना इंसल्ट या वो गालियाँ जो उन लोगों ने तुम्हें दी थी कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और जब वो इंसल्ट आप फील करोगे तो तुम्हारे दिल और दिमाग में से वो एक आग निकलनी चाहिए। हमेशा याद रखना कि उस इंसल्ट जो लोगों ने आपकी की थी उनका एक दिन उनको वापस जवाब भी देना है सक्सेसफुल बन के। देखियो, ये ध्यान से सुन, जब तुम्हारा दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी लोग तुम्हें कोई सजेशन दे रहा है या फिर तुम्हारे इंसल्ट या तुम्हें कुछ भी बुरा भला कह रहा है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को दोनों को तोड़ दे, या तुम्हारे अंदर एक गुस्सा आ जाए कि सालों का मुंह तोड़ दूँ या मुंह तोड़ जवाब दूँ उनको भी, तो उस समय तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें उन्हें यही बोलना है कि थैंक्स फॉर योर सजेशन। चाहे उन्होंने कुछ भी बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया है तुझे, लेकिन तुम्हें लास्ट में जाके यही बोलना है थैंक्स फॉर योर सजेशन, या फिर कुछ मत बोलो, सिर्फ उनके सामने या उनकी आंखों में देखते रहो और जब उनकी बातें ख़त्म हो जाए बस उधर से चले जाओ। और जब तुम अपने गोल या अपने एम्बिशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तब ये टाइम है अपने गुस्से को बाहर निकालने की। जब वो तुझे गुस्सा आ रहा था ना, जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही थी या तुम्हें बुरा भला कह रहे थे वो लोग, अभी वो टाइम है वो गुस्सा दिखाने की। वो एक एक जो शब्द उन्होंने बोला था ना, जो तुम्हारे दिल में छुपा था, वो भी याद करो और अपने प्रैक्टिस में लगो। अभी मुझे वो दिखना चाहिए, अभी आपके अंदर वो दिखना चाहिए वो गुस्सा। ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे खुद के अंदर बदलाव लाओ कि पूरी दुनिया सोचने में पागल हो जाएगी इस बंदे ने ये काम किया तो किया कैसे, क्योंकि जो इंसल्ट आपकी हुई थी उस इंसल्ट में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, बस आपको उसको सही जगह यूज़ करने आनी चाहिए। देख लो, ये ध्यान से सुन और अपने दिमाग में अभी से बिठा दे, ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे दिमाग में अभी, ये बहुत कीमती है और बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसे ऐसे ही किसी के ऊपर बर्बाद मत करना या किसी के ऊपर ऐसे ही मत निकालना। उस आग के जैसे गुस्सा आपके अंदर है ना जो, वो आपको अपने लक्ष्य के ऊपर निकालना है ताकि वो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ उस गुस्से की मदद से। अगर गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करना सीख गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारे। ध्यान रखना, पूरी दुनिया को दिखाना है अभी, तो इतनी जल्दी में हार कैसे मानूं। और जब शेर कुत्तों की बात माने या कुत्तों के पीछे भागे तो क्या वैल्यू रहेगी शेर की। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान। It's caught in the crossfire.